करना चाहता हूँ कि इस इलाके का किसान जो एक किसान तो है लेकिन बहुत बड़ी ज़मीन उनके पास नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, 2 एकड़ 4 एकड़ 1 एकड़, उसी से अपना गुजारा करते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की बहन बेटी की शादी है, बात है, छूछक है, घर का खर्चा है, इसी से चलते हैं। तो मुख्य रूप से मैं कहूँ इस इलाके किसान केवल खेती पर निर्भर करता है, और खेती में भी मुख्य रूप से हमारे 2 ही फसल है, अब की बार ये बाजरे की फसल है या दूसरी फसल हमारी सरसों गेहूँ की होती है। और इस इलाके का किसान या उनके परिवार में बच्चों का क्या, तो फौज के अंदर नौकरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं, नौकरियों में हमारा बहुत कम साझा है सही मायने के अंदर, इसलिए खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। सरकार ने घोषणा की कि 2,250 रुपये बाजरे की MSP घोषित की, होना भी चाहिए, हर सरकार का नियम है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको उद्देश्य होता है कि देश का किसान जो है अन्नदाता है, और अन्नदाता की अगर रक्षा होगी, अन्नदाता अगर सुखी रहेगा, खुश रहेगा, तो देश खुशहाल होगा। लेकिन हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि हरियाणा की मौजूदा भाजपा जजपा सरकार ने MSP पे खरीदने की बजाय भावांतर योजना को लेकर के आई है कि साहब हम 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में ही डाल देंगे। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब मार्केट के अंदर बाजरे को कोई नहीं पूछ रहा, आज 1100-1200 की बात चल रही है, अभी किसान भाई कह रहे थे कि सब 1000 रुपये में कोई नहीं पूछेगा, तो आप 600 रुपये दे दोगे तो भी उसको 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हुआ। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है, और इस मुद्दे को लेकर आज मैंने नारनौल के अंदर भी जिला हेडक्वार्टर पर सभी इलाके के किसान भाइयों के जिले के बुलाया हुआ है, और हमारी वहाँ पुरजोर सरकार से मांग है, विरोध प्रदर्शन है, कि सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए और किसान की बाजरे की फसल को MSP के रेट के ऊपर खरीदना चाहिए। ये हमारी एक तो मुख्य मांग है जो इलाके से जुड़ी हुई है, इस इलाके किसान हैं अन्नदाता है भाइयों से, बड़े बड़े दावे करते थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पिछले दिनों एक न्यूज़ पढ़ करके कि इलाके के विधायक मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, मंत्री तो ज्ञापन लिया करते थे, देने कब से लग गए? अरे आपको चाहिए कि आप इस विषय को मुख्यमंत्री के सामने जोर शोर से उठाए, घोषणा करवाएं MSP लेने की। मतलब आपने हमारी ये न्यूज़ पढ़ करके कि जिला महेंद्रगढ़ किसान इकट्ठे हो रहे नारनौल के अंदर, आपने उस बात को कवर करने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाकर के एक ज्ञापन देने की कोशिश की है। कल भी हमारे नारनौल से मंत्री महोदय मुझे भी टकराए कार्यक्रम के अंदर अग्रवाल सभा में, मैंने कहा मंत्री जी बाजरा क्यों नहीं खरीद रहे MSP के ऊपर, बोला भाई साहब 52 योजना लागू है, मेरे को 52 तो अभी पता है, 52 हमें नहीं सूट करती भाई, 52 से क्या करेंगे हम, हमें तो चाहिए MSP को किसान खरीदे। तो इस प्रकार की बात, इस इलाके के लोगों को भी ये बात अपने पराए की सोचने चाहिए। आप भविष्य में आकर के लंबे चौड़े सरकार के वायदे सुन करके, तो आपने BJP के लोगों को वोट दे दिया, विधायक बना दिया, यहाँ से लगातार 2-2 बार इस इलाके ने ताकत दी है, तो मैं समझता हूँ जब सरकार इस इलाके की नहीं सुन रही तो लोगों को सोचना चाहिए अपना कौन है, पराया कौन है। फिर भी मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, 36वीं बिरादरी के भाइयों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, एक गरीब आदमी का, एक वाल्मीकि भाई, एक जूती गाँटने वाले भाई मोची भाई का भी ध्यान रखती है, तो किसान भाई का भी ध्यान रखती है, बेरोजगार का भी ध्यान रखती है, छोटे छोटे मंडी के जो व्यापारी भाई इनका भी ध्यान रखती है। लेकिन इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि देश में केवल अडानी अंबानी कोई पैदा कर दिया BJP की तरह, ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि इनकी क्या ऐसी, इनका पास क्या अभिमान है, किस बात का उनको जिद है कि देश का अन्नदाता 10 महीने से अधिक समय हो गया सड़कों के ऊपर बैठा है और आप सुन नहीं पा रहे। आप मन की बात करते हैं रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे अफगानिस्तान के लोगों को चिंता करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, आप दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान उनकी नहीं सुन रहे, कितनी बुरी बात है। 700 से अधिक किसान भगवान के प्यारे हो गए, शहीद हो गए। अभी हाल ही में घटना घटी आपके सामने, हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर, किस तरह भाजपा के मंत्री के पुत्र ने सरेआम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, किसान को जिंदा मार दिए गए, लगभग 8 व्यक्ति हमारे मारे गए, एक पत्रकार भाई की भी मृत्यु हो गई। मतलब आपको चाहिए उन पर एक्शन करें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, दोषी को गिरफ्तार करें, और सरकार में जो मंत्री बैठे उनको बर्खास्त करें। लेकिन ना करने की बजाय आप उनको दे रहे हैं, जो लोग उनका हाल पूछने जाते हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, हमारे हरियाणा से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जब उन किसान भाइयों से मिलने गए तो उन गिरफ्तार कर लिया गया, किस तरह से सीट आपने कैसेट देखी हो, धक्के मारे गए पुलिस के द्वारा, बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के रोष है,
हम भी मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे मंत्री को जिनका डायरेक्ट इस दुर्घटना में, मैं कहूँगा जो ये घटना घटी है, जो ये किसान मारे गए हैं, दूसरे भाई मारे गए, उनके खिलाफ़ सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उसको दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए। हम आभारी इस बात के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने सुमोटो लिया, खुद इस बात का सबसे ज्ञान लिया है और उन्होंने पूछा है सरकार से, बताया जाए कितने आदमी गिरफ्तार हुए, देश की सर्वोच्च संस्था है, उनको ऐसा करना अच्छी बात है। तो ये हालात चल रहे हैं आज इलाके के अंदर, DAP की भारी कमी है। आप देखिए किसान को जरूरत है, कहाँ जाएगा बेचारा DAP लेने के लिए? आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है सरकार की, मैं समझता हूँ, वरना DAP का इंतजाम होना चाहिए। पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में उन्होंने व्यवस्था ठीक की हुई, हरियाणा के अंदर मारामारी है, जगह जगह बीमारी फैल रही है।